करना चाहेंगे श्वेत पत्र को लेकर? देखिए, पहली मर्तबा किसी सरकार की ओर से पिछली सरकार पर श्वेत पत्र जारी किया जा रहा है। सुक्खू सरकार ने जयराम सरकार पर एक श्वेत पत्र तैयार कर लिया है। पिछले कल ही ये कैबिनेट सब कमेटी की मीटिंग थी जो कि डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में हुई है। लगभग 1.5 से 2 घंटे तक ये मीटिंग चली और उसके बाद मुकेश अग्निहोत्री की ओर से ये जानकारी दी गई है कि इस श्वेत पत्र में पूरा उल्लेख किया गया है कि कैसे फाइनेंशियली मिसमैनेजमेंट हुई है जयराम सरकार में और इसे सार्वजनिक भी किया जाएगा मॉनसून सेशन के दौरान। यानी कि लाजमी सी बात है इस श्वेत पत्र पर बड़ा हंगामा बरपने वाला है क्योंकि दावा वर्तमान सरकार की ओर से ये किया जा रहा है कि फाइनेंशियली पूरी तरह से मिसमैनेजमेंट की गई है जयराम सरकार में और इसका पूरा ब्यौरा ये वहीं टेबल पर रखने वाले हैं। इसके अतिरिक्त क्योंकि बार बार सीएम सुक्खू की ओर से ये कहा जाता है कि हिमाचल प्रदेश पर 75,000 करोड़ रुपए का ऋण है और ये जयराम सरकार ही छोड़कर गई है, कोई भी बेहतरीन या विकासात्मक कार्य नहीं करवाए गए, महज अपने ऐश्वर्याम में ही सभी पैसे पिछली सरकार ने खर्चे हैं। 11,000 करोड़ के करीब देनदारियां कर्मचारियों की भी है जो कि वर्तमान सरकार को ही पूरी करनी होगी, लेकिन अभी बजट जुटाने में भी कई तरह की परेशानियां आ रही हैं और बड़ा कारण उसका यह है कि देखिए अभी प्राकृतिक आपदा आई थी जिस वजह से फिलहाल राजस्व विभाग में भी हमें एक बड़ा प्रभाव देखने के लिए मिल रहा है। रेवेन्यू जुटाने में काफ़ी मुश्किलें आ रही हैं और मुश्किलें आएंगी ही क्योंकि पर्यटन क्षेत्र से लेकर अगर हम उद्योग क्षेत्र तक की बात करें तो ये सभी प्रभावित हो गए हैं। अभी पर्यटक यहाँ तक नहीं पहुँच रहे हैं, खुद को लेकर सहमा हुआ सा महसूस कर रहे हैं क्योंकि पर्यटकों को भी ये लग रहा है कि अभी फिलहाल हिमाचल प्रदेश में जाने जैसी स्थितियां नहीं है, जगह जगह लैंडस्लाइड हो रहे हैं तो अभी पर्यटन पर भी पूरी तरह से प्रभाव पड़ा है तो रेवेन्यू जुटाने में मुश्किलें आ रही हैं, ये बार बार सरकार की ओर से हवाला दिया जा रहा है, लेकिन जल्दी ही अपने वायदे और उन गारंटियों को पूरा किया जाएगा जो कि सरकार की ओर से दी गई है, साथ ही साथ ही आश्वासन भी दे रहे हैं। लेकिन उससे पहले ये जो श्वेत पत्र लाया जा रहा है इसमें अब बारीकी से ब्यौरा दिया जाएगा कि कहां कहां मिसमैनेजमेंट हुई है, पिछले 5 साल में वित्तीय परिस्थितियां कहां से कहां आई है, विकासात्मक कार्य में कितना खर्च हुआ है और कहां पर बेफिजूल की खर्ची की गई है, ये भी बिल्कुल जानकारी इनकी ओर से दी जाएगी। तो ये बिल्कुल मॉनसून सेशन में एक हंगामेदार सत्र हम कह सकते हैं हमें देखने के लिए इस बार मिल सकता है क्योंकि जब ये ब्यौरा रखा जाएगा तो विपक्ष भी चुप नहीं बैठेगा और जरूर यहां नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की ओर से भी कोई ना कोई प्रतिक्रिया सामने आएगी। देखिए इस बार सदन में कितने सवाल पूछे जा रहे हैं ये भी आपको अपडेट दे देते हैं, लगभग ये 743 के करीब संख्या है, लेकिन इसमें बड़ी बात ये है कि 75% सवाल मौसम और नुकसान से जुड़े पूछे गए हैं। देखिए वरिष्ठ विधायक जो कि एक तरह से पूरे प्रदेश स्तर पर अपने सवाल पूछा करते थे उन्होंने भी अपने निर्वाचन क्षेत्र को लेकर ही ज़्यादातर सवाल लगाए हैं क्योंकि हर विधानसभा क्षेत्र में बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन इस नुकसान की भरपाई कब तक होगी और जो बीच में ही कुछ एक प्रोजेक्ट पेंडिंग रह गए थे अगर विकासात्मक कार्यों को लेकर बात करें तो कब तक पूरे होंगे, इसी पर ये सवाल पूछे गए हैं। लगभग 595 सवाल ऐसे हैं जो कि ऑनलाइन ढंग से इन सदस्यों की ओर से पूछे गए हैं जो कि विधानसभा सदस्य हैं और 148 सवाल ऑफलाइन सदन में पूछे जाएंगे। इसके अतिरिक्त देखिए अभी आपदा को लेकर तो सवाल पूछे ही जाएंगे, जो नुकसान हुआ है उस पर भी विपक्ष की ओर से रिपोर्ट मांगी जाएगी और भरपाई कितनी हो पाई है, कितना बजट वर्तमान सरकार ने खर्च किया है या प्रभावितों को कितनी मदद दी है, इस पर भी सवाल होंगे। लेकिन इसके अतिरिक्त कांग्रेस की गारंटियों पर भी यहां कई तरह के सवाल उठने वाले हैं और जो भर्तियां पेंडिंग है उस पर भी सवाल उठेंगे कि अभी तक रिजल्ट घोषित क्यों नहीं हो पाया, पहले आयोग को भंग क्यों कर दिया गया और अभी तक नए आयोग की बहाली क्यों नहीं हो पाई है, तमाम मसलों को लेकर ये सवाल उठाए जाएंगे। हालांकि एक ही बात अभी यहाँ वर्तमान सरकार की ओर से कही जा रही है कि 12,000 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान हिमाचल प्रदेश में हो गया है और केंद्र सरकार की ओर से कोई भी मदद हिमाचल प्रदेश को नहीं मिली है। अब इस पर कैसे विपक्ष की ओर से जवाब दिया जाएगा क्योंकि बार बार ये बात भी सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से कही गई है कि अगर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर को हिमाचल की इतनी ही चिंता है तो वो बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी बात करें, केंद्र सरकार से भी गुजारिश करें कि कुछ बजट हिमाचल वासियों को दिया जाए, यहाँ के प्रभावितों के लिए दिया जाए। तो इस पर भी देखिए काफी बड़ा हंगामा हम कह सकते हैं कि बरपने वाला है। ताकि देखिए उससे पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, ये सर्वदलीय बैठक अगले कल है 1 बजे और ये विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया की अध्यक्षता में होने वाली है। इसमें उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान आएंगे और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी होंगे, साथ ही साथ मुख्य संसदीय सचिव मोहन लाल ब्राक्टा भी शामिल होंगे। दरअसल ये सर्वदलीय बैठक इसलिए बुलाई जाती है क्योंकि इसमें विधानसभा अध्यक्ष की ओर से अपील की जाती है विपक्ष और सत्ता पक्ष से कि वो सदन की गरिमा को ठेस ना पहुंचाए, पूरे नियमों का सदन में पालन करें और जनहित से जुड़े मुद्दे ही उठाए, इसके अतिरिक्त व्यर्थ की कोई बातें वहां ना करें, जितना भी समय सदन में दिया जाएगा वो जनहित से जुड़े मुद्दों को लेकर ही दिया जाना चाहिए, इस तरह का आग्रह इसमें होता है। लेकिन जिस तरह के मसले इस बार विपक्ष के पास है, प्राकृतिक आपदा में भी क्योंकि कई तरह के मसले अब विपक्ष के पास आ गए हैं, लगातार यहां बजट लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं और राज्य आपदा भी क्योंकि यहां घोषित कर दी गई है वर्तमान सरकार की ओर से, तो इस पर भी यही सवाल उठ रहे हैं कि फिर राहत कहां दी गई है और किन लोगों को दी गई है, किस प्रकार से दी गई है। जोगेंद्र नगर के पसल में 8 वर्षीय बच्ची को उसी के बाप ने जहर दे दिया और अब बच्ची मौत के घाट उतर गई है।
लेकिन ग्रामीणों में काफी रोष इस बात को लेकर देखा जा रहा है। आज इनकी ओर से चक्का जाम भी किया गया था पठानकोट मंडी नेशनल हाईवे पर। ग्रामीणों की ओर से ये मांग उठाई जा रही है कि जो ये बच्ची का बाप है इसकी गिरफ्तारी की जाए, और साथ ही साथ जो इससे पहले इसी बच्ची के परिवार में 3 मौतें हुई हैं वो भी संदिग्ध परिस्थितियों में, उसे लेकर भी जाँच होनी चाहिए। क्योंकि इन ग्रामीणों की ओर से ये माना जा रहा है कि इस व्यक्ति की ओर से जो जहर दिया गया है पहले भी अपने परिवार वालों को मारने में कहीं ना कहीं इसी का हाथ रहा है। आरोप इस तरह के हैं, हालांकि अभी पुलिस अब इसमें कितनी जल्दी जांच कर पाती है ये हम देखेंगे। क्योंकि आरोप तो इन ग्रामीण लोगों की ओर से ये भी लगाया जा रहा है कि जो बच्ची का ननिहाल पक्ष था उन्होंने पहले ही FIR दर्ज करवाने की कोशिश की थी, जिसमें उनका ये आरोप था कि बच्ची को जहर दिया जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से ये जहरीला पदार्थ इस 8 वर्षीय बच्ची को दिया जा रहा था। धीरे धीरे फिर ये बीमारी से ग्रस्त हुई और फिर चंडीगढ़ PGI में इसने अपना दम तोड़ दिया। तो जब पहले कंप्लेंट की थी ननिहाल पक्ष ने तो कोई भी कार्यवाही या गिरफ्तारी इस व्यक्ति की क्यों नहीं हुई, इतनी ज़्यादा देरी इसमें क्यों हो गई। अब बच्ची की जान चली गई है, ग्रामीणों में भारी रोष देखने के लिए मिल रहा है और इन्होंने आज चक्का जाम कर दिया था। किसी तरह से प्रशासन ने और पुलिस ने अपनी सूझबूझ दिखाकर इन्हें शांत किया है, लेकिन इसके बाद किस तरह की जाँच होती है इस पर सभी की नज़रें बनी हुई है। देखिए अगली बात पुलिस विभाग को लेकर भी करना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ भी प्रमोशन मामला लटका हुआ है। हालात कुछ ऐसे हैं कि ये पुलिस कर्मचारी पिछले 1 वर्ष से इंतजार कर रहे हैं अपनी प्रमोशन का। 1 वर्ष पहले ही इन्होंने ट्रेनिंग कर ली थी लेकिन अभी तक इनकी प्रमोशन लिस्ट यहाँ जारी नहीं हो पाई है। इससे पहले ऐसे ही हालात हमें 17 जुलाई को भी देखने में आए थे, जब प्रमोशन को लेकर आदेश जरूर जारी हुए लेकिन फिर अगले 4 घंटे में ही ये आदेश वापस ले लिए गए थे। फिर कुछ सब इंस्पेक्टर्स की ओर से कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया गया और कोर्ट के आदेशों के बाद फिर इंस्पेक्टर पद पर इन सब इंस्पेक्टर्स की प्रमोशन हुई थी। लेकिन अभी लगभग ये 67 के करीब हवलदार हैं जो कि ASI के पद पर प्रमोट होने हैं और पिछले वर्ष से लेकर अपना इंतजार कर रहे हैं। इनकी ट्रेनिंग भी पिछले वर्ष ही हो पाई है। इनके साथ ही साथ 36 के करीब ASI ऐसे भी हैं जो कि सब इंस्पेक्टर के पद पर प्रमोट अभी तक कब के हो जाने चाहिए थे, लेकिन इंतजार इनका भी बना हुआ है। और इसमें रिजल्ट निकल कर सामने ये आ रहा है कि बिना प्रमोशन के ही इन्हें रिटायर होना पड़ रहा है। तो आखिरकार देरी क्यों हो रही है, इनके भी सब्र का टूटता हुआ नजर आ रहा है। डिमांड इन्होंने रखी है कि जल्द इन्हें प्रमोशन मिले ताकि बाकी वित्तीय लाभ भी इन्हें मिल सके, वो भी सेवानिवृत्त होने से पहले। देखिए स्कूल स्टाफ को लेकर भी अपडेट देना चाहेंगे, ये सरप्लस स्टाफ से जुड़ी जानकारी हम लेकर आए हैं। दरअसल इसमें वो स्टाफ भी है जो कि डेली वेजेस पर काम कर रहे थे। हाल ही में क्योंकि शिक्षण संस्थानों को डी नोटिफाई करने का फैसला हुआ था, लगभग यहाँ 29 मई को 36 सीनियर सेकेंडरी और हाई स्कूलों को डी नोटिफाई कर दिया गया था। तो फिलहाल अब इन्हीं स्कूल्स की दोबारा सूची जारी की गई है। इनके सरप्लस स्टाफ को उन स्कूल्स में शिफ्ट किया जाएगा जो कि अभी चल रहे हैं, यानी कि नए अपग्रेड स्कूल्स में इन्हें शिफ्ट किया जाएगा। और बड़ी बात ये भी है कि यहाँ पर देखिए एनरोलमेंट के आधार पर क्योंकि ये फैसला हुआ था, जो स्कूल डी नोटिफाई हुए थे यहाँ पर संख्या 20 से कम थी, इस वजह से लगभग 16 सीनियर सेकेंडरी और 20 हाई स्कूल थे जो कि 29 मई को डी नोटिफाई किए गए थे। तो जो शिक्षक हैं उन्हें तो पहले ही शिफ्ट कर दिया गया था उन स्कूलों में जहाँ उनकी आवश्यकता थी, लेकिन सरप्लस स्टाफ की ओर से भी ये मांग रखी जा रही थी कि अब उन्हें भी नए और अपग्रेड स्कूलों में शिफ्ट किया जाए। तो इसे इस पर निर्देश जारी हो चुके हैं उपनिदेशकों को, ये जो सूची भेजी गई है इसी सूची के मुताबिक एक एक करके सरप्लस स्टाफ को भी दूसरे स्कूलों में बदला जाएगा। वहीं अभी देखिए मॉनसून सेशन है तो यहाँ नोडल ऑफिसर्स को भी तैनात कर दिया गया है। सभी जिलों के उपनिदेशक कार्यालयों में 2-2 नोडल ऑफिसर्स रखे गए हैं। जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उन्हें ही ये मौका मिला है, क्योंकि शिक्षा क्षेत्र से संबंधित भी काफ़ी संख्या में सवाल मॉनसून सेशन में लगाए जाएंगे, तो निर्धारित समय में इन सवालों का जवाब दिया जा सके इसलिए नोडल ऑफिसर्स को तैनात किया गया है। फिलहाल शिक्षा निदेशालय को इनका मोबाइल नंबर, मेल ID और बाकी जानकारियाँ भेज दी गई हैं और जल्दी ही अपने काम पर भी तैनात होने वाले हैं। भर्तियों का रिजल्ट कब तक निकलेगा ये भी इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि बेरोजगार युवाओं की ओर से लगातार सोशल मीडिया पर कुछ ना कुछ पोस्ट अपलोड की जा रही है और हमारे भी इस बुलेटिन में सबसे ज्यादा कमेंट्स उन्हीं युवाओं के आ रहे हैं जिनका रिजल्ट फंसा हुआ है। देखिए पिछले कल हमने आपको जानकारी दी थी कि 18 सितंबर को अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठने वाले हैं वो युवा जिनका पोस्ट कोड विजिलेंस जांच के दायरे में है। लेकिन अब यहां जो बेरोजगार कला अध्यापक हैं उनकी ओर से भी एक डिमांड रखी गई है। हालांकि इनकी ओर से पहले ये कहा जा रहा है कि स्कूलों में काफी पद खाली चल रहे हैं, संख्या लगभग 1633 के करीब है, तो इन्हें भरा जाए। और शिक्षा विभाग की ओर से रेकमेंडेशन भी भेजी गई थी सरकार को 285 पद भरने के लिए, उस पर भी देखिए सरकार ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। तो यहाँ केवल जो पोस्ट कोड 980 के अभ्यर्थी हैं वही डिमांड नहीं कर रहे हैं, बल्कि बैचवाइज आधार पर भी जिनकी भर्ती होनी है या जिन्होंने काफ़ी वर्ष पहले ही डिप्लोमा हासिल कर लिया है और इस भर्ती के इंतजार में बने हुए हैं उनकी ओर से भी डिमांड रखी जा रही है कि इन पदों को जल्द से जल्द भरा जाए। अब ये बेरोजगार कला अध्यापक की ओर से डिमांड रखी गई है कि पोस्ट कोड 980 का रिजल्ट भी जल्दी घोषित होना चाहिए और मिडिल स्कूल में जो 100 बच्चों की कंडीशन लगाई गई है उसे भी हटाया
बनाया जाए और लगभग ये जो 1633 के करीब पद वर्तमान में खाली चल रहे हैं, इन्हें भरने की प्रक्रिया शुरू हो। अगर सभी पद नहीं भरने हैं तो कम से कम जो रिकमेंडेशन भेजी गई है 285 पदों को लेकर, इसमें ही प्रक्रिया तेज की जाए। फिलहाल ना तो पोस्ट कोड का रिजल्ट घोषित हो रहा है और ना ही इसमें देखिए बैचवाइज आधार पर हमें भर्ती देखने के लिए मिल रही है, जिस वजह से ये भी काफी हताश है। हालांकि इसमें कुछ एक देखिए ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने 2002 में या 2004 में डिप्लोमा हासिल कर लिया था, तब से लेकर इनकी बारी ही इस भर्ती में नहीं आई है। और जब से ये 100 बच्चों की कंडीशन लगा दी गई है मिडिल स्कूल्स में, सरकारी मिडिल स्कूल्स में, तब से लेकर ये भर्तियों का सिलसिला वैसे ही काफ़ी ज़्यादा स्लो हो गया है, क्योंकि बहुत कम ऐसे सरकारी स्कूल मिलेंगे विशेषतौर से ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ पर 100 के करीब बच्चे देखने में आएंगे। तो ये कंडीशन अगर हटा दी जाती है तो इनकी भर्तियाँ जल्दी होंगी, ये आग्रह इनकी ओर से किया जा रहा है। एंटिटी भर्ती पर पिछले कल देखिए हमसे सवाल पूछा गया था, तो आज हमने बिल्कुल बात की है यहाँ प्रोजेक्ट डायरेक्टर से भी। उनका यही कहना था कि अभी तक नए शिक्षा सचिव राकेश कंवर की ओर से वो तिथि निर्धारित नहीं की गई है कि आखिरकार कब तक ये मंथन होगा, यानी कि फाइनल ड्राफ्ट इस पर कब तक तैयार होगा। जब तक ये बैठक नहीं होती है तब तक ये दोबारा से प्रस्ताव फिर कैबिनेट में भी नहीं रखा जाएगा। हालांकि इससे पहले पूर्व सरकार में ही कैबिनेट में ये ड्राफ्ट रखा गया था लेकिन फिर वापस भेज दिया गया था। वित्त विभाग की ओर से भी कुछ कमियां इसमें पाई गई थी, लेकिन अब दोबारा ये एंटिटी ड्राफ्ट तैयार करने की बात हो रही थी। 4 ऑप्शंस भी शिक्षा विभाग के अधिकारियों की ओर से दी गई है, जिसमें JBT और आंगनबाड़ी वर्कर्स को भी शामिल करने की बात हुई है, या फिर 1 वर्ष का अतिरिक्त यहां कोर्स इन महिलाओं से करवाया जाए जिनके पास एंटिटी का 1 वर्ष का ही डिप्लोमा है, ये भी सुझाव दिया गया है। लेकिन सुझाव पे सुझाव ही दिए जा रहे हैं, हो इस पे कुछ नहीं रहा है। और शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की ओर से यही कहा जाता है कि अभी केंद्र के साथ बातचीत चल रही है, कोई ना कोई बीच का रास्ता जरूर निकाल लिया जाएगा। अधिकारी दिल्ली के चक्कर काट रहे हैं, बड़े बड़े सुझाव दे रहे हैं लेकिन बात आगे नहीं बढ़ रही है। फिर नए शिक्षा सचिव राकेश कंवर की ओर से यह कहा गया कि वो खुद भी इस पर एक बार मीटिंग करेंगे और कोई फाइनल डिसीजन लेंगे, लेकिन फाइनल डिसीजन लेने के लिए ये मीटिंग होना जरूरी है और इस पर ही अभी तक कोई तिथि निर्धारित नहीं हो पाई है। तो यहां भी उन महिलाओं को इंतजार करना होगा जो कि पिछले कई वर्षों से राह देख रही हैं इस भर्ती की। लगभग 4,400 के करीब पदों पर यह भर्ती होनी है और यदि इसमें आने वाले समय में JBT आंगनबाड़ी वर्कर्स को मौका मिलता है तो भी उन महिलाओं के साथ अन्याय हो जाएगा जिन्होंने 1 वर्ष का डिप्लोमा बीते कुछ वर्षों पहले ही यहां हासिल कर लिया था और उसके बाद से लेकर वो राह देख रही हैं। तो क्या रास्ता अब यहां निकाला जाता है, किसे फिलहाल प्री प्राइमरी कक्षाओं को पढ़ाने का मौका दिया जाता है, ये हम देखेंगे।